वाह पुत्र वाह, ये हुई ना गल के पूत कपूत तो का धन संचे और पूत सपूत तो का धन संचे। वाह, अरे वाह, आज पहली बार आपके मुंह से सही कहावत सुनी है। वो गली है महाराज के, आज मुझे भी पहली बार किसी कहावत का सही मतलब समझ में आया। वाह चावले, इसका क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता पापा जी। हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। नारद ने जो भी कुछ बोला वो सब झूठ था। जी हाँ देवियों, नारद जी ने आप सबसे जो भी कहा है वो आप सबसे कहने के लिए हम ही ने उनसे कहा था। दरअसल हम विद्या बहन को ये समझाना चाहते थे कि झूठ का प्रकोप कितना भारी होता है। विद्या बहन आप सबसे नफरत नहीं, बहुत प्रेम करती है। मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी बिंदिया इतनी सस्ती बातें नहीं कर सकती। अरे वाह सही वाह सही वाह सही वाह, क्या तो कमाल का सबक सिखाया है नी बाबा, और इस बात पे तो देसी घी की मिठाई बांटूंगा मैं। इसकी मिठाई खा के बीमार हूं ना क्या? बात करते इसकी मिठाई खिलाएंगे। पुत्र, हम आपकी मिठाई उस दिन अवश्य खाएंगे जिस दिन आप मिठाई शुद्ध देसी घी में बनाएंगे। वो धाकड़ दिन नहीं आने वाला है जी। यम जी, ये सब होने के बाद ना मैं तो आपकी एकदम बड़ी वाली फैन बन गई हूँ, यम फैन। इधर देखो, उधर देखो, आपने जो बात कही ना वो तो मैं पहले से ही जानता था, पर बीवी बच्चे नहीं है तो फिर अमल किस पे करूं? वैसे मिस्टर यम, आपकी बात में है दम, क्योंकि यम है हम। आजा पुत्र, चलिए चलो बाबा, चलो चमन भाई, चौधरी आजा आजा आजा। बाय यम। प्रणाम। नारद जी, आप तो उत्तीर्ण हो गए। धन्यवाद महाराज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आइए, खुली हवा में थोड़ी सैर की जाए। चलिए प्रभु, आओ। बेटा तुम जा रहे हो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बात पूछें, तुम फिर कब आओगे? जब हमारे पिताश्री को हमारी जरूरत होगी हम तुरंत से आ जाएंगे। नारायण नारायण। आपका बेटा बहुत ही संस्कारी है भैया। हमें उम्मीद है बबलू पुत्र कि आप अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे और किसी बच्चे को सताएंगे भी नहीं। नारायण नारायण। पक्का नारद, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये चॉकलेट। व्यंजन लगता है। वाह अत्यंत अच्छा, अब तो हम इसे स्वर्ग लोग जाकर ही खाएंगे, वो भी रैपर उतार के। नारायण नारायण। भाई तुम सब लोग हो तो बहुत ही अच्छे, लेकिन थोड़ा फेंकना कम करो। मेरा मतलब है स्वर्ग में जाकर खाएंगे, मतलब क्या? अब हमें आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए पिताश्री। चलिए नारद। बाय नारद। बाय नारद। कुछ सीखा? आपने हमारी बहुत मदद की नारद जी, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और हम लोग जाके धुमोरना से कहना हमारी चिंता ना करें, हम बहुत ही जल्द वहां पर आएंगे वापस। नारायण नारायण।
अवश्य महाराज। इधर देखो, उधर देखो, जो नारद जी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो जा रहे हैं। हाँ पुत्र, जो नारद मुनि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अब हमें भी दिखाई नहीं देंगे। लगता है तुम्हारे साथ हम भी चढ़िया हो जाएगा। नारायण नारायण। महाराज चित्रगुप्त जी, इस कार्य में मैं आप दोनों के साथ बेहद आनंद आया। मन तो कर रहा है कि इस मनुष्य के व्यंजन फिर से उठाकर खा ले, परंतु नहीं, हमें इसे डराने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि हमारे पास ये चॉकलेट्स जो हैं, बस महाराज अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। क्या करूं, कहां छुपूं? प्रभु प्रभु बचाइए मुझे, कहां छुप जाऊं मैं? चित्रगुप्त जी। प्रभु अच्छा हुआ आप आ गए, आप भी यहां आकर छुप जाइए मेरे साथ। चित्रगुप्त जी। जी। पहली बात तो ये कि आप छिपे हुए नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रभु प्रभु। और प्रभु दूसरी बात। और दूसरी ये कि आप छिप किससे रहे हैं? प्रभु नानी जी से महाराज, उनकी काम पकड़ा देने की क्षमता इतनी विचित्र है, हम हमेशा फंस जाते हैं। काम तो होता नहीं है और मस्तिष्क में प्रचंड पीड़ा होती है प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हम पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की मदद करने आए हैं, तो यदि उन्हें मदद की जरूरत होगी तो हम अवश्य करेंगे। जी प्रभु, यम है आप। जाइए हमारे साथ सुरों की दुनिया में, सिर्फ 72.8 FM पर। चित्रगुप्त जी, हमें ये सुरों की दुनिया में कौन बुला रहा है? आकाशवाणी है प्रभु, आकाशवाणी। आकाशवाणी प्रभु, आवाज तो इस यंत्र में से आ रही है प्रभु। अच्छा चित्रगुप्त जी, अद्भुत है, नहीं है चित्र नहीं है, ये बहुत ही विचित्र टीवी है। प्रभु क्या क्या बनाता है मनुष्य। अब अगला गीत श्री यमराज जी की फरमाइश पर। प्रभु आपने कब फरमाइश की? चित्रगुप्त जी हमने फरमाइश की नहीं, ये लगता है इस यंत्र ने हमारे मन की बात अपने आप सुन लिया है। आहा शास्त्रीय संगीत। चित्रगुप्त जी। प्रभु हम जब भी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं हमें धुमोरना की याद आ जाती है। धुमोरना बड़ा अच्छा नृत्य करती है वो शास्त्रीय संगीत पर, बहुत अच्छा। प्रभु हम धुमोरना माता को तो यह नहीं ला सकते, हाँ उनके जैसा नृत्य करने की कोशिश कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी शोर मचा रहा है।
अद्भुत मोरना, अद्भुत। अंकल आप नाचते बहुत क्यूट लग रहे थे। चित्रगुप्त आप क्या लग रहे थे? प्रभु क्यूट लग रहे थे मतलब प्यारे। वो सब तो ठीक है पर हर चीज का परफेक्ट टाइम होता है। और देखिए अभी ये मेरे पढ़ने का टाइम है, नाचने गाने का नहीं। तो बंद करिए गाना प्लीज, मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। एग्जाम? परीक्षा प्रभु, परीक्षा। परीक्षा? हाँ क्षमा चाहते हैं पुत्री, अब हम ये नृत्य बंद कर देंगे। हम जरा बहक गए थे। थैंक यू। दीदी, मामा जी, मामा जी। क्या हुआ बबलू? वो धाकर अंकल ने हम सब लोग को घर पे बुलाया है, सरप्राइज है कोई। ठीक है आप लोग जाइए क्योंकि मम्मी और दादाजी तो बाहर गए हैं और नानी जी सो रही है। मुझे पढ़ना है दो चैप्टर आगे बढ़ना है रिया से, वो भी तो वो करके मैं आ जाऊंगी। ठीक है बाय बाय। चलिए मामा जी, सरप्राइज है कोई। चित्रगुप्त जी ये सरप्राइज क्या होता है? प्रभु सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। किंतु अगर कोई आश्चर्यचकित है तो हम उन्हें देखने क्यों जाएंगे? नहीं प्रभु, हम जाकर ये देखते हैं कि वो आश्चर्यचकित क्यों हैं। हाँ चित्रगुप्त जी अवश्य देख सकते हैं। नमस्ते, कैसे हो? वेलकम वेलकम। कहाँ है मम्मी पापा बेटा? अरे आज पापा ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, अरे थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा। पुत्र वेट, माय वेट 100 किलो, 1 क्विंटल। ओ गॉड, चावला अंकल। इधर देखो, उधर देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना तेरी भाभी। पता है दुनिया की सारी हीरोइनें ना तेरी भाभी के सामने फीकी पड़ जाती है, देख है ना। राम राम भाइयों, राम राम, राम राम, राम राम। भाइयों आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया है आज। बिल्कुल चौधरी साहब, मैं तो इतना बेचैन हो रहा हूँ, इतना बेचैन हूँ जैसे बिना खबर के खबरी। भाई साहब बिना जल के मछली होता है। और जाई जी वो पुराना हो गया, ये न्यू है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो कहते हैं ना सब्र का फल महंगा होता है। सुनिए जी, अब बस आप इनको महंगी वाली खुशखबरी दे ही दीजिए। ठीक है भाई चौधरा। तो भाइयों मैं अब आपको महंगी वाली खबर। पापा एक मिनट, उस स्पेशल वाले गेस्ट तो अभी तक आए ही नहीं। श्री देवी बेटा कौन आने वाला है, सारे तो आए बैठे हैं यहाँ। वो एक मिनट, वो रहे। देवी, देवी। हाँ। देवी हमें बबलू पुत्र ने बताया यहाँ कोई आश्चर्यचकित होने वाला है, तो हम देखने आए हैं कि आश्चर्यचकित क्यों है। मैंने कहा था सरप्राइज है कोई। गोलू जी आश्चर्यचकित तो हम हैं क्योंकि ये यम है। ये तो शेर में स्तुति हो गई, आश्चर्यचकित तो हम हैं क्योंकि आप यम हैं। वाह वाह जी प्रभु। तो ये मिठाई आपकी हुई। थैंक यू। लो भाई अब ये धाकड़ यमराज भी आ गए और चित्रगुप्त जी भी आ गए, तो अब ये सरप्राइज से मैं पर्दा हटा देता हूं। तो देखो भाई, 1 2 3 तालियां।
देखो भाइयों, तुम तो ये जानते हो ये मेरी छोरी है, मेरी छोटी ये बेटी लाकड़ वाली रिया है। पर आपको जो पता नहीं है वो बात ये है कि ये जो फोटो आज आप देख रहे हो ये कल अखबार में छपेगी, क्योंकि मारी ये बेटी ऑल इंडिया ओपन डांस कंपटीशन में भाग लेने जा रही है और आप सब धाकड़ों को इसलिए बुलाया है कि आप हमारी बेटी को सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दो ताकि ये जीते। जा बेटा सबका आशीर्वाद ले ले। आयुष्मान भव। यम जी देखना रिया है ना पक्का जीतेगी। गलत बात देवी, ये कहिए कि पक्का परिश्रम करेगी और बेहतर करने की कोशिश मात्र करेगी, वही बहुत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाय शिखा। हाय रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, ये तो सुपर न्यूज है। देखना तुम ही जीतोगी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। देख मैं तो बहुत मेहनत करने वाली हूँ, बस तू प्रे करना कि तेरी बेस्ट फ्रेंड ही फर्स्ट आए। ओके पक्का पक्का पक्का। चित्रगुप्त जी बहुत घनिष्ठ मित्रता लगती है दोनों में। हाँ प्रभु। अरे संदीप जी थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा जी एक मिनट। और ऊपर ऊपर थोड़ा सा। संदीप जी इतने भी ऊपर मत भेजो, इतने ऊपर से नीचे गिरूं तो ऊपर ही चला जाओ। हमने तो पहले ही कहा था कि आपसे नहीं होगा। कर तो रहा हूं ना जी, कुछ भी कहती रहती है। अरे सीखा बेटा है, जवाब ही दिया चली गई और अपने आप से कुछ बड़बड़ा भी रही थी, गुस्से में लग रही थी। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है। ओ आहो, इसने रिया को कुछ करते हुए देख लिया होगा जिससे ये जल रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए प्रभु। वो सुश्री देवी जी है ना? हाँ हाँ। वो हमसे कह रही थी वो हमारे साथ मूवी जाना चाहती है। मूवी? मूवी का क्या मतलब होता है प्रभु? मूवी मतलब ये चलचित्र जो हम टीवी में देखते हैं। हाँ हाँ, किंतु हम भला टीवी में कैसे जा सकते हैं? वो तो पता नहीं प्रभु। चित्रगुप्त जी संगीत, वो शिखा पुत्री अभ्यास कर रही होगी। हाँ। उन्हें काफी दिक्कत होगी। काम एक बात पूछे बिटिया, ये तुम सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब में क्या लग गई, क्या कर का रही हो तुम? मम्मी मुझे ना वो डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे रिया को हराना है ना, इसलिए। चित्रगुप्त जी ये शिखा पुत्री तो रिया को जीतने की शुभकामना देकर आई थी, अब खुद हराना चाहती है। शिखा पुत्री के कर्म कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं हमें चित्रगुप्त जी। तो ठीक तो आप कर ही दोगे एमजी।